भाई भिक्षु रोनी भाई सब लोग मेरे पीछे क्यों पड़ रहे हैं भाई? यार ऐसा लग रहा है जैसे मैं हीरो ब्राइन एसएमपी में खेल रहा हूँ मगर एक नाइटमेयर में। तो गाइस सभी लोगों का वेलकम हो गया अंशु बिश पे, और आज जो हम करने वाले हैं वो है माइनक्राफ्ट को बीट। यस बॉयज, ये हजारवीं बार माइनक्राफ्ट, लेकिन इस बार तुम लोगों को लगा होगा वाओ हेलो गेमर फ्लिप, चलो जल्दी से एक पेड़ तोड़ो और गेम को खत्म कर दो। नहीं ब्रो, इस बार हम लोग कुछ अलग करने वाले, कुछ खतरनाक, कुछ धांसू करने वाले। तुम लोग सोच रहे हो क्या हो सकता है ब्रो, मैं तुम्हें दिखाऊंगा तो तुम पागल हो जाओगे। तो चलो एक बार एक काम करते हैं, कोई मॉब ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मैंने सुना है कि इस दुनिया में मॉब्स यूट्यूबर्स हैं। ओके तो गाइज मेरे को यहाँ पर एक केव दिख रही है, आई होप यहाँ पर कुछ तो हम लोगों को दिख जाए भाई। हाँ जी यार, ये केव भी खा। भिक्षु, अरे भिक्षु मेरा भाई, ओ भाई हेलो भिक्षु, मार रहा है भाई ये। ठीक है भाई, ये भिक्षु नहीं है भाई, ये बहरूपिया ज़ॉम्बी है जो भिक्षु जैसा लग रहा है ब्रो, ये एकदम भाई ये बिल्कुल भिक्षु लग भाई। यार भिक्षु आग से जल रहा है यार, रुको गाइस भिक्षु की थोड़ी मदद कर देता हूँ मैं। अरे यार भिक्षु यार मेरे को भी जला दिया भिक्षु ने यार। भिक्षु भाई क्यों कर रहा है ऐसा? अरे भिक्षु मर गया यार। व्हाट Curse of Vanishing Knockback to Hello? भाई ये भिक्षु जैसा दिखने वाला ज़ॉम्बी मेरे को क्या देखेगी अब्रो? और एक मिनट, मुझे खाने की भी जरूरत है, तो हम लोग थोड़ा सा खाना भी ले लेंगे इनसे। तो भाई इस दुनिया में सिर्फ ज़ॉम्बीज मॉब्स मतलब खाली यूट्यूबर नहीं है भाई, ये ओपी आइटम भी गिराते हैं। भाई मजे आने वाले भाई, मेरे को बाकी के मॉब से मिलने के लिए मैं वेट नहीं कर सकता भाई। यहाँ पर तो लिटरली ब्रो, इसका मतलब इस गेम को हराना तो यार बेबी मॉड से भी इजी हो जाएगा अगर यार ये मॉब ऐसी ऐसी चीजें गिराएंगे तो। ओके तो गाइज हम लोगों को यहाँ पर कुछ पम्पकिंस दिखे हैं, और तुमको पता है यार अगर ओपन में पम्पकिंस मिले तो कहीं ना कहीं पर आसपास विलेज जरूर होती है। तो यस गाइज कहीं ना कहीं पर आसपास विलेज जरूर होती है, हम लोगों को विलेज मिल गई गाइज, लेट्स गो। वो कौन है भाई? भाई ये कैसा गजब का वो है भाई। हाँ गोमलेम चपाती भाई चपाती भाई गोले में, व्हाट हाय चपाती भाई, मारना मत अभी मर जाऊंगा। ओके तो गाइज हम लोगों को यार सैडली चपाती भाई को मार के सामान लेना पड़ेगा उनसे। तो गाइज मैंने रात हो रही है गाइज, इसका मतलब और मॉब्स आने वाले हैं। डर लग रहा है बॉयज, जल्दी से काम करते हैं। हम लोगों के पास देखो ये तो बहुत सारे है, ठीक है, तो हमारे पास तलवार बहुत सारी है, मतलब तलवार है हमारे पास प्लैंक बहुत सारा है। हम लोग एक काम कर सकते हैं, चपाती भाई आई एम सॉरी, चपाती भाई सुनो ना, माफ करोगे ना अपने भाई को? आई एम सॉरी चपाती भाई। भाई भिक्षु की दीवी तलवार से चपाती भाई को मार रहा हूं मैं। ओ चपाती भाई केक छोड़ के गए मेरे लिए, वाह भाई भाई देख रहे हो भाई। ओके ठीक है, ये सारा का सारा केक हम खा लेते, थोड़ी एचपी हमारी बढ़ जाएगी। ठीक है अब हम लोग क्या करते हैं गाइस, रात हो रही है तो सबसे पहले हम लोग कहीं पे सो जाते हैं, या फिर सोने से भी बढ़िया पता है क्या करते हैं? ओ नो एंड्रू, एंड्रू वो भाई एंड्रू भी है, एंड्रू मेरे दोस्त। नहीं ये वाला तोड़ा तो ये तो अंदर ही घुस के मारेगा भाई। हाँ रे ये एंड्रू, अरे तो भाई यार तू यहाँ सो ले, यहाँ बंदा मरने को हो रहा है, तू सो जा यहाँ पे, परेशान कर दिया आदमी ने यार। भाई एंड्रू भी, भाई एक दो और एंड्रू भी दिख रहे मुझे दूर। नहीं वो कौन है? वो एंड्रू भी नहीं है। अरे यार भाई छोड़ देना, माफ कर देना यार भाई, ये तो भाई ये एसएमपी में कम नाक में दम करता है, मेरी यहाँ भी करने आ गया यार ये। चलो भाई आखिरकार मरा यार, भाई यार एंड्रू भीम ये क्या हरकत है ब्रूम। ओके हम लोगों को पता नहीं एंड्रू भी से हमें ब्लॉक ऑफ आयरन मिल गए भाई। ओ इसका मतलब हम लोग चपाती भाई को जिंदा कर सकते हैं पता है एंड्रू भी की मदद से। और मैंने वहां पर किसी को तो देखा था यार, वो एंड्रू भी नहीं था। हाँ वो कौन है? हाँ ये कौन है? रॉनी भाई। ओ भाई भिक्षु रोनी भाई सब लोग मेरे पीछे क्यों पड़ रहे हैं भाई? यार ऐसा लग रहा है जैसे मैं हीरो ब्राइन एसएमपी में खेल रहा हूँ मगर एक नाइटमेयर में। वो देखो भाई वो रे रोनी भाई,
अरे रोनी भाई किद्दा भाई, मैं कैसे ना कैसे गाइस सब लोगों से बच के बाहर तो आ गया हूँ भाई। ऐसा लग रहा है मैं कोई हॉरर गेम खेल रहा हूँ, पता है, ऐसा हीरो ब्राइन एसएमपी बट हॉरर। भाई सारे के सारे हीरो ब्राइन एसएमपी मेंबर मेरे को मारने की कोशिश कर रहे ब्रो। इनटू फायर, भाई ये कुछ ज्यादा ही ओपी आइटम नहीं हो गए भाई हैं दोस्तों? खाने को भाई निवाला नहीं है यहाँ पर, खाने को कुछ है नहीं और भैया दे रहे हैं भाई, समझ रहे हो तुम लोग? तो दोस्तों बिना किसी टाइम वेस्ट करे हम लोग फटाफट से एक काम करते हैं, हम लोग अपने लिए एक बनाते हैं बकेट और अपने लिए बनाते हैं एक आर्मर, ठीक है? क्यों तुम लोग पूछ रहे हो आर्मर क्यों? एक मिनट, मुझे वो मकड़ी दिख रही है, जरा उस मकड़ी को मार के आते हैं, पता नहीं क्या दे देगी हमको वो मकड़ी भाई, मजाक से हटके, ठीक है? भाई मैं क्यों बनाऊं आर्मर भाई, तुम मेरे को एक बात बताओ, मैं क्यों आर्मर बना रहा हूं? मैं गधा हूं क्या भाई? लिटरली क्या ओपी ओपी चीजें गिरा रहे हैं ये लोग भाई। हम लोगों को नेदर में जाने की भी जरूरत नहीं है, पर मैं नेदर जाऊंगा जरूर अगर इसमें सारे के सारे हीरो ब्राइन एसएमपी के मेंबर्स हैं। तो तुम समझ रहे हो अभी हम लोगों ने रोनी भाई को देख लिया है, बिक्सू को देख लिया है, एंड्रू भी फिर से आ गया है, क्यों कर रहा है एंड्रू ऐसा? तो हम लोगों ने बिक्सू को देख लिया, एंड्रू भी को देख लिया है, चपाती भाई को देख लिया, हमने रोनी भाई को देख लिया है, तो हम लोगों ने चार बंदे देख लिए, बट चार बंदे अभी भी बचते हैं, तो हम लोगों को सबके सब देखने हैं भाई कि कौन कहां पर क्या कर रहा है, और देखते हैं कौन कौन से मॉब्स हमारा वेट कर रहे हैं भाई इस वर्ल्ड में। तो गाइस देखो एक मस्त चीज हुई है, मेरे को यहीं पे पानी मिल गया और बगल में ही भाई यहां पे लावा पूल भी है, ठीक है? तो हम लोगों का काम तो हो गया, हम लोग सीधे नेदर चलते हैं। अभी हम लोगों को देखो किस किस को ढूंढना है, हमें एंड्रू भी मिल चुका है, रोनी भाई मिल चुके हैं, चपाती भाई मिल चुके हैं और हमें बिक्सू मिल चुका है। तो हम लोगों को किस किस को ढूंढना है, उज्जवल भाई, स्मार्टी भाई, अज्जू भाई और ईशान भाई, तो चार बंदे अभी भी बचते हैं। तो हम लोग एक काम करते हैं नेदर में जाकर ढूंढते, मे बी नेदर में मिल जाए, ठीक है? अभी तक का वैसे मैंने स्केलेटन नहीं देखा एक बार भी, तो मे बी कोई मॉब स्केलेटन भी हो सकते हैं, बट लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि अभी मेरे को कुछ का पता नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले तो एक काम करते हैं, पोर्टल बनाते हैं और सीधे निकलते हैं नेदर की तरफ। ओके, तो पिछले वाला मैंने गलती से खराब कर दिया था, तो मैं दोबारा से आ गया हूं यहां पर। तो फटाफट से एक काम करते हैं गाइस, अब चलते हैं नेदर की तरफ को, ठीक है? तो गलत बन गया था ना यार भाई, इंसानों से भी होती है गलती मियां, तो इसलिए वो गलत बन गया था। फटाफट से हम एक काम करते हैं, इसको बनाते हैं और जल्दी से निकलते हैं नेदर की तरफ। एक्चुअली एक मिनट, मेरे पास फ्लिंट नहीं है राइट, मेरे पास स्टील तो बहुत सारा है, और बहुत से मेरा मतलब है बहुत सारा है, बट हम लोगों के पास फ्लिंट बिल्कुल नहीं है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा ग्रेवल भी ढूंढते हैं और फ्लिंट ढूंढ के लेके आता हूं मैं, दो मिनट दो। ओके, तो दोस्तों मेरे को एक मस्त केव दिखी है भाई, क्या पता यहां पर मुझे कोई दूसरा। हां ईशान भाई, ईशान भाई स्केलेटन, सॉरी ईशान भाई मारना पड़ा। कौन मार रहा है बदतमीज? अरे छोटा बिक्सू भाई, छोटा बिक्सू क्यूट लग रहा था भाई, कहाँ गया छोटा बिक्सू? भाई बहुत क्यूट लग रहा है यार छोटा बिक्सू, मारने का मन नहीं कर रहा यार भाई बहुत भाई प्यारा नहीं लग रहा वो, देखो बड़ा बिक्सू, ये देखो छोटा बिक्सू, भाई देखो भाई बड़ा बिक्सू, छोटा बिक्सू, बिक्सू बेटे छोटे, कहाँ गया भाई? कितना क्यूट लग रहा है भाई यार, मैं नहीं मार सकता यार बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है भाई। ओके, तो स्केलेटन ईशान भाई हो गए, अभी भी हम लोगों के पास तीन बंदे बचते हैं, जो कि हैं अपने स्मार्टी भाई, उज्जवल भाई और अज्जू भाई। तीन बंदे अभी भी नहीं मिले भाई, तो हम लोग को देखना पड़ेगा कि ये तीन बंदे हैं कहाँ। हम लोग के पास ग्रेवल आ गया गाइस, तो इसका मतलब कि हम लोग फ्लिंट भी निकाल सकते हैं, और फिर से बिक्सू आ चुका है यार मुझे मारने के लिए भाई यार, क्यों ब्रोम? अरे यार भाई यार ये नहीं लेने देगा मेरे को फ्लिंट आज भाई। अरे वहाँ एंड्रू भी है भाई यार, ये एंड्रू बिक्सू भाई यार, ये मेरे को कभी परेशान करना छोड़ेंगे नहीं लग रहा है। वो देखो वहाँ पर एंड्रू आ गया, पीछे बिक्सू पड़ा हुआ है, वो छोटा बिक्सू भी आ गया। अरे भाई यार मेरे को ये छोटा बिक्सू नहीं मारना यार भाई, वो बहुत ज्यादा क्यूट है यार। ओ व्हाट, ओके ओ भाई यार रोनी भाई, दो दो छोटे बिक्सू भाई यार, अब मारने पड़ेंगे गाइस यार, गाइस आई एम सॉरी छोटे बिक्सू। अबे ये छोटा बिक्सू तो भाई हंगर लगा रहा है अलग, रुक रुक इधर इधर इधर, हंगर लगा रहा है अलग है, रुक जा भाई, वहां पर और बिक्सू है यहाँ पर यार, रोनी भाई यार, रोनी भाई यार छोड़ दो भाई भाई, ऐसा ऐसा लिटरली पता है रात के टाइम पे ये गेम सीरियसली हॉरर हो जा रहा है भाई, सीधे हॉरर भाई ऐसा हो जा रहा है ना ये गेम, तुम लोग मतलब भाई डर लग रहा है यार सही में ब्रो, तुम सोच रहे हो मतलब कहीं से भी कुछ भी हो सकता है। अरे यार बिक्सू यार, कम ऑन बिक्सू, डोंट डू दिस यार बिक्सू यार, फिर से हंगर लगा गया यार, ठीक है सही हो गया। चलो गाइस यार कुछ अगर काम का मिल जाए ना यहाँ पर तो मजा आ जाए, लेकिन
द मोस्ट यूजफुल, द लिटरली ब्रो द मोस्ट यूजफुल पिरामिड आई हैव एवर सीन। दिल ही खुश कर दिया भाई का यार। ठीक है हम लोग काम करते हैं, यहाँ पर अंदर सो जाते हैं, उसके बाद बाहर जाएंगे क्योंकि मेरे को नहीं लग रहा बाहर बहुत ज़्यादा सेफ है। शांति से यहाँ पर सोते हैं एक बारी और उसके बाद निकलते सीधे नेदर के लिए। भाई अभी मेरे पास ग्रेवल भी पड़ा हुआ है, मैं कैसे भी ग्रेवल से निकाल दूंगा सामान। ठीक है अभी हम लोगों को थोड़ा बहुत वुड चाहिए होगा, वुड हम लोगों को मोस्ट प्रॉब्ली वहाँ से मिल जाएगा, किसी ना किसी के घर में तो थोड़ा बहुत लकड़ी लगी होगी राइट। हमको एक क्राफ्टिंग टेबल बनानी है, क्राफ्टिंग टेबल से थोड़ा बहुत फूड बनाएंगे और उसके बाद आगे का काम देखेंगे। वो भाई यहाँ तो भाई भिक्षु का आतंक चल रहा है भाई। हेलो अरे अरे रोनी भाई फटना नहीं। ओके भाई अरे चपाती भाई टू सेव द वर्ल्ड भाई, वाह वाह चपाती भाई वाह वाह चपाती भाई। बस आपकी नाक ये कहाँ आ गई है? सॉरी भाई। तो यार ये चपाती भाई ना यार भाई थोड़ा सा धक्का क्या लग जाता है भाई, मारने को आ जाते हैं तो बिल्कुल। ओके भाई मेरे को अपना बहुत सारा सामान यहाँ पे फेंकना पड़ता रहेगा क्योंकि मेरे को इतना लिटरली सामान मिल रहा है कि मैं रख ही नहीं सकता भाई। इतना सामान मिलेगा, इतना सामान मिलेगा कि तुम रख नहीं पाओगे। ओके तो गाइस थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी यहाँ पे बनाने में, बट आखिरकार हम लोगों का स्टार्ट हो चुका है। तो फटाफट से यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं सीधा कहाँ गाइस? नेदर फोर्ट्रेस की तरफ को यार। बट ओके अरे यार ओके गैस तो कोई नहीं है भाई मरने वालों में। ओ व्हाट हम लोग कितनी सही जगह पे स्पॉन हुए ब्रो। ओके तो दोस्तों उससे काफी टाइम तक लड़ने के बाद वो गायब हो गई यार ब्रो, मैं उसको मार भी नहीं पाया। बट व्हाट दो दो नेदर फोर्ट्रेस फॉर सीरियस? ओके तो गाइस ना ही पिगलिन में, ना ही जोगलिन में और ना ही इसमें गैस्ट में, तो भाई अज्जू भाई और ये स्मार्टी भाई और उज्जवल भाई है कहाँ भाई? भाई अब ब्लेज बचता है एक, ठीक है और कौन कौन बचता है? ब्लेज बचता है, एंडर ड्रैगन बच। ओ भाई ईशान भाई यहाँ क्या कर रहे हैं? ईशान भाई के हाथ में स्वॉर्ड। ओके ये ईशान भाई विदर स्केलेटन वाले हो गए भाई अब। ओके ब्लेज लेट्स, अज्जू भाई ब्लेज है। ओ भाई आ अज्जू भाई मारो मत यार दोस्त, मैं तुम्हारा आई होप सो स्काई इज द लिमिट। सीरियसली अज्जू भाई ने मेरे को लेटर दे दी भाई, अज्जू भाई ने हमको इलाइट्रा ही दे दी ब्रो। ओके तो ठीक है अभी हम लोगों के पास कौन कौन आ चुके हैं? ठीक है तो हम लोग एक बार काउंट कर लेते हैं सारे के सारे हीरोब्रेन एसएमपी मेंबर्स में से। अब सिर्फ स्मार्टी भाई और हमारे उज्जवल भाई दो जने रह जाते हैं। ठीक है स्मार्टी भाई और उज्जवल भाई को हम लोगों को ढूंढना है। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग सीधे चलते हैं अभी के लिए नेदर में, लेकिन नेदर जाने के लिए हमको चाहिए आई ऑफ एंडर को तो आई ऑफ एंडर बनाएंगे। तो हम लोग को ढेर सारा गोल्ड चाहिए होगा जो कि मेरे पास ब्लॉक ही ब्लॉक में पड़ा हुआ है। तो हम लोग ये करते हैं या फिर मैं एक चीज़ करूं, हम लोग देखें क्या पता हम लोगों को यार अगर इतना ओपी आइटम ऐसे ही मिल जा रहा है तो क्या पता, मतलब ऐसा मैं बोल नहीं रहा हूं बट क्या पता हम लोगों को यार थोड़ा बहुत और सामान भी मिल जाए। जैसे कि मान लेते हैं हम लोगों को, अरे भाई अज्जू भाई यार, अरे दो दो अज्जू भाई, अरे दो दो अज्जू भाई बच के। ओ भाई क्या बच, ओ डायमंड के ब्लॉक भाई, अच्छा भाई तो अलग ही अमीर है भाई यहाँ पर। अगर बाय चांस हमें मॉब्स को मार के इतना ओपी ओपी आइटम मिल रहा है तो क्या पता भाई अगर हम लोग मॉब्स को मारे तो हम लोगों को एंडर पर्ल्स भी मिल जाए। ओके अभी मैं मरने वाला था, ठीक है तो हम लोगों को थोड़ा सा देख के चलना पड़ेगा। और ना मैं अपने इस पे ये रखता हूँ, मतलब कुछ ब्लॉक्स रखता हूँ, ठीक है ये नहीं रखने थे बट फिर भी रुको, इसको अगर हम मारें ये हमें क्या देगा? ओके मैंने इसको मारा और इसने हमें कुछ भी नहीं दिया। कर्स ऑफ बाइंडिंग लगा दो भाई, इतनी बढ़िया चीज में कर्स ऑफ बाइंडिंग लगे तो मजा ही। ट्वेंटी ब्लॉक ऑफ नेदरराइट, आ जाओ सारे के सारे, आ जाओ बारी बारी भाई, आ जाओ ग्राइंडिंग चल रही है यहाँ पर। आई होप भाई मिले यहाँ, पता चला लास्ट में नहीं मिलेगा। ओ हम लोग के पास 10 एंटरपल भाई, मिलते हैं एंटरपल्स गाइस। मैंने अभी ध्यान दिया हम लोग के पास 10 एंटरपल हो चुके हैं, हम लोगों को बस यार 6-7-8 ऐसा कुछ एंटरपल और चाहिए भाई, आ जाओ भाई। ओके तो गाइस काफी ग्राइंडिंग करने के बाद एटलीस्ट मेरे पास देखो कितना और हो चुके हैं, मेरे पास 10 और एंटरपल हो चुके हैं। ठीक है तो हम लोग 10 की 10 का हम लोग आई ऑफ एंटर बनाते हैं, हमारे पास 20 आई ऑफ एंटर हो चुकी है। और ये ईशान भाई वापिस आ चुके हैं यार भाई, सॉरी ईशान भाई, सॉरी डार्लिंग। ओ एक मिनट मेरे को ये क्या, अरे यार क्रॉसबो में क्विक चार्ज से मैं क्या करूँगा, मल्टी शॉट देते ना तो मज़ा आ जाता ब्रो सही में।
ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ से निकलते हैं, ठीक है, और अभी इसको भी मारते हैं और यहाँ से भागते हैं भाई। भागो 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 भागो, बाय बाय दोस्तों। ओके तो दोस्तों ओवरवर्ल्ड में तो अभी यार यहाँ पर रॉनी भाई, बिक्सू भाई सब लोग घूम रहे हैं भाई, तो हम लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं, एक रात हम लोग एक काम करते हैं, सेव कर मतलब समझ रहे हो ना, सो जाते हैं शांति से, ठीक है, और उसके बाद हम लोगों के पास इलाइट्रा और पता नहीं क्या क्या है ब्रो, तो हम लोग आराम से पता आसमान की ऊंचाइयों में उड़ते हुए ढूंढ सकते हैं जो हम लोगों को चाहिए, जो कि है अगला नेदर फोर्ट्रेस, तो हम लोगों को वो चाहिए। हम लोग बस एक चीज़ करते हैं कि थोड़े बहुत ना, अगर मेरे पास अभी भी पड़ी होगी तो शायद से नहीं पड़ी है सैडली। ओके तो गाइस रॉकेट बनाने के लिए यार मेरे को ज़्यादा सामान तो नहीं मिला, बट मेरे पास एटलीस्ट दो पड़े, तो हम लोग दो रॉकेट्स बना सकते हैं, ठीक है, वो हम लोगों का थोड़ा बहुत काम आ जाएगा, थोड़ा बहुत इलाइट्रा से उड़ लेंगे यार, मतलब ठीक है ज़्यादा नहीं उड़ पाएंगे, सैड लाइफ है, बट कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत उड़ सकते हैं, थोड़ा बहुत ही कर लेंगे। और अभी के लिए ना हम लोगों को, अरे यार एक मिनट, मैंने गलत चीज़ खा ली है, क्योंकि कायदे से ये इतना ज़्यादा फूड बढ़ाती नहीं है, जिसको पता नहीं है गाइस, मतलब जो गैपल होता है वो आपका फूड इतना ज़्यादा नहीं बढ़ाता है, हंगर बार इतना ज़्यादा नहीं बढ़ाता है, बट आपको 2 HP देता है और हम आपका वो बढ़ाता है, लाइक समझ रहे हो ना कितनी देर में आपको भूख लगी और कितना ज़्यादा आपके HP मतलब रीजनरेशन देता है बेसिकली। ओके तो दोस्तों मैं बचे हुए से अपना ब्रेड बना लेता हूँ, वापस से हमारे खाने पीने का थोड़ा बहुत सामान जमा हो जाए, ठीक है, और अब हम लोग बनाएंगे एटलीस्ट मतलब कितने बनेंगे हमसे, 3 बन जाएंगे राइट, एक काम करते हैं ये रखते हैं, ठीक है, 3-6 rockets, ओके नाइस, नॉट बैड नॉट बैड। हम लोग एक काम करते हैं रॉकेट्स को रखते हैं ऑफ एंड में, और लेकिन रेडी रखना है, ठीक है, मैं अब की बार क्या करने वाला हूँ, मैं आर पे रखता हूँ ताकि एकदम से हम लोग अपना ये निकाल पाएँ, ठीक है, अगर हम लोगों ने ये नहीं निकाला टाइम पे तो हम लोग मर जाएंगे, सीधी सी बात है। अब हम लोग ये करते हैं कि इलाइट्रा, अरे यार ये कर्स ऑफ बाइंडिंग है क्या, अबे यार ये भाई यार हम लोग इलाइट्रा यूज़ भी नहीं कर सकते यार, इतनी मुमस्किल से मिली थी, 100 जन्म हो चुके हैं भाई, इलाइट्रा क्या होता है यही याद नहीं है मुझे पता, तुम लोगों को 100 जन्म हो चुके हैं मेरे को, चलो कोई बात नहीं, एटलीस्ट हम लोग अभी यहाँ से निकलते हैं, सामान वामान ढूंढते हैं, पानी की बकेट तो है अपने पास, और चलो भाई खाली बना रहा था, इतना काम कर रहा था, कर्स ऑफ बाइंडिंग भाई। ओके इस साइड को हम लोगों का फोर्ट दे दो भैया, थैंक यू, ठीक है, तो इस साइड को अपना वो है क्या कहते हैं रास्ता है, मैं चाहूँ तो मर सकता हूँ, बट यार आई एम ट्राइंग टू डिफीट द गेम, तो मैं बिना मरे ही ट्राई करूँगा, सीधी सी बात है यार, ऐसे मर के लाइट्रा से उड़ तो सकता हूँ, बट यार फिर वही है कि समझ रहे हो ना तुम लोग, ट्राइंग टू डिफीट द गेम, अगर मैं बोला बीट द गेम तो मैं ट्राई करूँगा कि बिना मरे ही बीट किया जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा रही। भाई नीचे के क्या, ओके तो ये करेक्ट यहीं पर है, क्योंकि मैं थोड़ा सा आगे जा रहा हूँ तो ये नीचे ले जा रहा है, थोड़ा सा आगे जा, तो समझ रहे हो ना तुम लोग, मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, ऐसे नीचे ले जा रहा है आगे ले जा रहा है नहीं, चलो हम लोग एक काम करते हैं फटाफट से यहाँ से नीचे खोते हैं जल्दी जल्दी भाई, इससे पहले कि प्लीज ब्रोम ऐसा मत कर ब्रोम, मैं डूब के नहीं मरना चाहता। ओके नाइस, ठीक है हम लोगों ने बचा तो लिया, लेकिन हम लोग पास लाइट का कोई सोर्स नहीं है राइट, सैड लाइफ, इसमें फ्लेम है ना, नाइस लाइट का सोर्स, ओके ठीक है, एरो ही नहीं है, वाह बोल आया हूँ। एंड्रू भी यहाँ क्या कर रहे हैं ब्रो, तुझे पता है ना यहाँ आना इलीगल है, क्या मतलब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ, भाग यहाँ से भाई, अब बेड़े ओ देर गया, एक मिनट दोस्तों, अरे यार मैं इनको मार क्यों रहा हूँ, ओ व्हाट मैं इनको मार क्यों नहीं रहा था, ओ प्रोटेक्शन 4 वाली पैंट, ओ यस थैंक यू, अरे भाई यार मारो मत यार। ओके दोस्तों ये गंदी गंदी, ओके नाइस, ठीक है तो गाइस हम लोगों ने कैसे ना कैसे करके ये गंदी सिल्वर फिशर से हम लोग लड़ लिए, आखिरकार जा रहे हैं एंड सिटी भाई, देखते हैं कि एंड में हमारा कौन इंतजार कर रहा है भाई, आखिर कौन है हमको एंड से किससे फ्री करना है, मैं एंड से देखते हैं एक बारी चलो जाके, ठीक है दोस्तों, हु नोस कि कौन हमारा इंतजार कर रहा है, क्योंकि अभी तक का हम लोगों ने 2 जनों को अभी तक नहीं देखा है हीरो ब्रांड SMP मेंबर के, जो कि हैं स्मार्टी भाई और उज्जवल भाई, और ये उज्जवल भाई क्यों लग रहे हैं मेरे को, क्योंकि उज्जवल भाई की ये कॉस्ट्यूम है सीना, एक मिनट वो उज्जवल भाई का, ये उज्जवल भाई एंड्रू ऐसे क्यों देख रहा है ब्रो, गाइस तो एंड्रू ओए ओए उज्जवल भाई बदतमीजी नहीं, तो गाइस एंड्रू बी के समाज में जो एंड्रू बी की दुनिया है वहां पर उज्जवल भाई ने कब्जा कर लिया है, और अब हमें एंड्रू बी को बचाना है उज्जवल भाई से। भाई जस्ट मेरे को लगा कि ये मॉड फनी नहीं हो सकता है, ये मॉड ने ये कर दिया, ये देखो जरा उज्जवल भाई को, भाई उज्जवल भाई
भाई यार ट्रांसफॉर्मर से आया हुआ ड्रैगन लग रहा है भाई ये, वैसे सही बताओ तो। ओके तो दोस्तों हम लोगों के पास यार हम लोगों के पास ब्लॉग्स भी नहीं, हम लोगों को पहले ब्लॉग्स जमा कर लेने चाहिए थोड़े बहुत, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं, पहले सबसे पहले मैं थोड़े बहुत ब्लॉग जमा करता हूँ। नहीं नहीं अरे यार उज्जवल भाई यार ऐसे इधर उधर तुमको मत यार भाई, तुम तो यार बोलो जुबा केसरी करके कहीं भी शुरू हो जा रहे हो। तो हम लोग 42 हो चुके, तो हम लोग फटाफट से सारे के सारे जितने भी हैं ये सारे के सारे एंड क्रिस्टल्स को मैं फोड़ देता हूँ, इनको फोड़ना ज्यादा ऐसा हार्ड नहीं रहेगा हाथ से। भाई उज्जवल लिखा आ रहा है भाई, हेलो। ओ भाई अभी ये छटका देता मेरे को भाई ये। ओके नाइस, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सूढ़ी में इसको फोड़ देंगे, ठीक है। और उसके बाद साइड से आएंगे, तो मेरे को 2 मिनट दो, मैं ये सारे के सारे तोड़ के तुम लोगों से मिलता हूँ। बस 2 मिनट के अंदर फटाफट से उज्जवल भाई से फ्री करते हैं एंड्रू बी की दुनिया को। भाई बहुत फनी चीज़ है यार, मतलब दिमाग में बस सोचो कि ये उज्जवल मतलब ये एंड्रू बी की दुनिया है और उज्जवल भाई ने फुल कब्जा मार लिया है यहाँ पर। कैसे क्या हो गया, लेकिन उज्जवल भाई हमने तो बोला था हम साथ में करेंगे, आप तो अकेले ही। ओके तो गाइस एक लास्ट टावर को मैं फोड़ने जा रहा हूँ यार, लिटरली बार बार ब्लॉक्स लाना ना बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था, मैंने सोचा क्यों ना ऐसे फोड़ा जाए फिर अपने पानी में आ जाए और उसके बाद सीधे नीचे। तो ये लास्ट हो गया शायद से, और प्लीम्स ब्रोम मारना मम उनके एंड्रूम डीम भाई तेरी मैं भलाई करने आया हुआ हूँ यहाँ पर यार। अरे 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 उज्जवल भाई, अरे भाई यार 2 मिनट ब्रोम हम काम तो कर नहीं देते पहले यार, एक दो बैठ तो फोड़ सकता था ना मैं ब्रोम, ठीक है। ओ शिट, ओ भाई मेरे को ध्यान देना पड़ेगा। ओ भाई भाई मेरे को पता नहीं क्या आदत थी भाई, मेरे को अपने घर वाले आर्मर की आदत थी या फिर किस चीज़ की आदत थी भाई, मैं गधों की तरह मैंने सीधे वो कर दिया था अभी, मैंने खड़े खड़े में भाई अभी फोड़ दिया था, गलती हो गई थी पता है मेरे से, 2 HP ब्रो। ओ यार उज्जवल भाई फिर से आ गए भाई यार, यार ये एंड्रू बीम एक तो मैं इसको बचाने आया हूँ और ये मेरे को ही उल्टा वो कर देता है यार। ओके नाइस, उज्जवल भाई की आधी HP हो गई है, बस थोड़े से और हिट्स और उसके बाद हम लोग मार देंगे। लेकिन उज्जवल भाई पूंछ की साइड से कभी नहीं ब्रो छटका देंगे उज्जवल भाई। अरे यार भाई यार मुंह की साइड से भी तो छटका ही दे रहे हैं, ठीक है। हम लोगों को अपना डिस्टेंस बना के रखना पड़ेगा, मेरे पास और बेड्स नहीं बचे यार, अब मेरे को ऐसे ही मारना पड़ेगा। ओके थोड़ा इसमें टाइम लगेगा अभी, क्योंकि जितनी बार उज्जवल भाई नीचे आएंगे मेरे को उतनी बार उनको वैसे ही मारना पड़ेगा नॉर्मल तरीके से। ओके गाइस लास्ट ब्लो, उज्जवल भाई नीचे आ रहे हैं। नहीं 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 अरे यार शिट यार ये छटका है ना प्लीज, नहीं यार एक शॉट और है, ओह नो प्लीज। अच्छा ओके मेरे पास, ओ भाई थैंक गॉड, यस भाई थैंक गॉड भाई, अभी कांड हो गया था भाई, अचीवमेंट मेड थ्री द एंड भाई साहब, भाई ऑलमोस्ट कांड हो गया था। अच्छा हमारे पास इतने सारे टोटम ऑफ अंडाइंग पड़े हुए थे। और एंड्रू कैसा लग रहा है, तेरे को बचा लिया मैंने एंड्रू, एंड्रू भाई साले बचाया तुमको मैंने। ओके तो गाइज हम लोग उसी वर्ल्ड में वापस आ गए, ठीक है, इसको नया बना के एकदम फ्रेश स्टार्ट में। बट यस मेरे को पता है क्यों वापस आया हूं मैं, तुम लोगों को लग रहा है भाई तुमने ड्रैगन हराम दिया अब क्यों आए हो, लेकिन सुनो अगर गोलम चपाती भाई थे, एंड्रू भी हमारा एंडरमैन था, अगर बिक्सू जोम्बी था और अपने रॉनी भाई क्रीपर थे, स्केलेटन हमारे किसान भाई थे, अज्जू भाई ब्लेस थे और एंडर ड्रैगन जो थे वो थे उज्जवल भाई, तो स्मार्टी भाई कहां गए यार। तो फिर मुझे थोड़ी जांच पड़ताल के बाद पता चला, तो गाइज स्मार्टी भाई तुम समझ रहे हो, तुम समझ रहे हो मेरी बात में क्या कह रहा हूं, स्मार्टी भाई विदर थे। भाई स्मार्टी भाई पूरे टाइम पे विदर थे ब्रो, हम लोग सोचते थे कि लाइक हम लोगों को स्मार्टी भाई को ढूंढना है, स्मार्टी भाई कौन है, भाई स्मार्टी भाई विदर निकले, तुम समझ रहे हो। अरे भाई घोड़े तो मत मारो, अरे स्मार्टी का, अरे स्मार्टी भाई गाय घोड़े तो मत मारो हमारे अब, अरे स्मार्टी भाई, भाई इनको बुला के गलती तो नहीं कर दी ना मैंने इस वर्ल्ड में। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को मजा आया होगा, क्योंकि मेरे को तो बहुत ज्यादा मजा आया यार, मॉब्स यूट्यूबर्स थे वो भी और कोई नहीं हमारे हीरोब्राइन एसएमपी के मेंबर्स, भाई इतनी ज्यादा क्रेजी क्रेजी ये वीडियो थी, लाइक लिटरली लूट देख रहे थे तुम लोग, क्या ओपी लूट गिरा रहे थे सारे के सारे मॉब्स। भाई मेरे को तो बहुत ज्यादा मजा आया, अगर आप लोगों को भी मजा आया तो प्लीज लाइक मारना, 150K लाइक्स का गोल लगा रहे, तो अगर आप नए हो प्लीज सब्सक्राइब टू चैनल एज वेल यार, ओनली 40% ऑफ द व्यूअर्स राइट नाउ आर सब्सक्राइब टू चैनल, तो अगर आप नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब वाला बटन नहीं दबाया तो प्लीज सब्सक्राइब वाला बटन दबा देना। मैं मिलूंगा आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।